गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस ये हमारा तीसरा एपिसोड है और पिछले एपिसोड में हम वेडन फॉरेस्ट में ही साथ में से टकरा रहे थे, लेकिन हम इससे बचकर निकल चुके हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इससे बचकर निकलने का। और गाइस हम घुमा फिरा कर शायद वहीं पर आ चुके हैं। गाइस मुझे रास्ते का तो बिल्कुल भी नहीं पता, पर अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ बता देगा कि वेडन फॉरेस्ट के अंदर से कैसे निकलें। गाइस मेरे को लग रहा है कि मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। गाइस मैं वहीं पर ही आ गया यार, ये क्या है यार, मैं वहीं पर ऐसे कैसे आ गया जहाँ से मेरी जर्नी शुरू की थी। मेरे हिसाब से मैं वहीं पर हूँ। गाइस अगर ऐसा होता रहा तो मैं भटक जाऊँगा। गाइस अभी आप लोग सोच रहे हैं मैं पोकेमोन क्यों पकड़ूंगा। गाइस मैं पोकेमोन पकड़ूंगा लेकिन मेरा पहला बैच जीतने के बाद। गाइस पहला बैच अगर हम स्टार्टर के हाथों जीते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसा ही मैं सोच रहा हूँ स्टार्टर के हाथों अपना पहला बैच जीतने का। अपना पहला बैच जीतते ही मैं पोकेमोन पकड़ना शुरू कर दूंगा। गाइस यार मुझे रास्ता नहीं मिल रहा यार, आप लोग यार वीडियो नहीं भेजते ना यार, तो बहुत अरे मिल गया। अरे गाइस यार मुझे रास्ता मिल चुका है। वैसे हमारा ये एपिसोड थर्ड चल रहा है, हमें इतनी जल्दी हम एपिसोड थर्ड तक आ चुके हैं और आपका सपोर्ट रहा तो हम और भी आगे जाएंगे। गाइस तो अभी मैं इससे बच कर नहीं जा सका, इसीलिए इसने मुझे पकड़ लिया है, तो मैं इसे हरा देता हूँ चुपचाप और आगे चलता हूँ। गाइस गाइस मैं चैलेंजर में मेरा 13 लेवल का और 50 का मेटल क्लॉ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गाइस मेटल क्लॉ बहुत ही बढ़िया टैग है। और अब हम अरे ये कौन आ गया, अरे हम अचानक आए, अचानक एक आदमी आया और मुझसे नहीं मिल गया, उसकी जूता भी ना हुआ और मेरे जूते में यार जूता। गाइस उड़ कैसे सकता, पहले मेरे को ये बताओ। जूते ने लात मारी। गाइस ये देखो यार, अरे वाह यार चार बंदे यार, तो मेरा सच्चा को भी बोल रहे यार, यार कोई जूता मुझसे लड़ने कैसे आ सकता। गाइस मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि कोई जूता मुझसे, अच्छा उसका पिजियोटो को उसने कॉस्ट्यूम पहनाया हुआ था। गाइस मैंने भी जैसा पिजियोटो है उसको उसने पहनाया थी एक कॉस्ट्यूम, और कॉस्ट्यूम से निकलने के बाद उसका पिजियोटो ठीक हो चुका। गाइस तो अब हम चलते हैं आगे। गाइस गाइस हम आगे तक जाने के लिए अभी हमें कुछ कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि हमें ड्रॉप से जिम बैच जीतना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं गाइस प्यूटर सिटी के पोकेमोन सेंटर में। गाइस अगर आप पोकेमोन सेंटर में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे अपने पोकेमोन को हील कराने। वैसे अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना, लेकिन गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखा देना क्या है ना मुझे आज। अरे जाने देगा ना, कहाँ ले जा रहा है ये मुझे, अरे कहाँ घुमा रहा भाई, अरे बोला पहले ब्रोक को हरा दे, ब्रोक को तो हरा दूंगा रे, क्यों क्यों चिंता कर रहा ब्रोक, चल मुझसे मुकाबला कर। गाइस आज आपके सामने आपका प्रो ट्रेनर इस ब्रोक को पूरी तरीके से हरा देगा। गाइस ये ब्रॉक को हरने का मुकाबला है, तो ये बैटरी पूरा मारा है मैंने ब्रॉक को, और ये अरे यार सुपर शक्ति में फिर भी नहीं लगाया उसको, लगता है मेरा लेवल थोड़ा ज़्यादा ही कम है। ट्रेनिंग करूँगा पर पहले से अगर जीत रहा तो जीत जाता ना यार, और मुझे जीतना बड़ा अच्छा लगता है बिना ट्रेनिंग के यार। और ये मैंने जेडूट को हरा दिया, ये गाइस मैंने जेडूट को हरा दिया और मेरा चैलेंज हो चुका 14 लेवल का। ओ माय गॉड ये 14 होने वाला है, क्योंकि और एक तो मेरा मुकाबला गाइस बहुत ही खतरनाक होने वाला। और ये क्या, और इसने एक अटैक में मुझे मेरी नानी आप बुला दी, और ये चार मेंडर अब लड़ नहीं सकता गाइस। तो अब मेरा चार मेंडर बुरी तरीके से घायल हो चुका है, और यहाँ पर अभी मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कम से कम 16 लेवल का तो चार मेंडर को करना ही पड़ेगा। तो गाइस हम अभी करेंगे अपने चार मिनट को 16 लेवल का। गाइस यहाँ पर हम जब प्यूटर सिटी में आए थे हमने कहीं पर तो ट्रेनिंग का एरिया देखा था, ये रहा, यहाँ पर हम गाइस ट्रेनिंग करते हैं मैं पोकेमोन के साथ। और मुझे यकीन है कि मैं
ट्रेनिंग कर कर आगे पहुंच जाऊंगा गाइस। तो गाइस एक पीजी कराने पर सिर्फ 15 एक्सपी मिले मिली है, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब कि दो दो लेवल के पोकेमॉन के बीच में 14 लेवल के पोकेमॉन को ट्रेन करना गाइस बहुत का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है। क्योंकि गाइस दो या तीन पोकेमॉन लेवल के पोकेमॉन सारा गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हम पूरी कोशिश करें कि हम इस बोट ट्रेनिंग को जल्दी ख़त्म करें और आपके ग्रो को हरा दें हम आपके सामने ही, जैसे कि हमने ड्रीम को भी बुरी तरीके से हरा दिया ट्रेनिंग के कारण। अब मेरा चार्मेंडर सीख चुका है मैडम क्लो, और अगर हमें जीतना है तो चार्मेंडर को इवॉल्व करना पड़ेगा चार्मिलियन में। हाँ गाइस हमें चार्मेंडर को इवॉल्व करना ही पड़ेगा चार्मिलियन में, नहीं तो हम जीत नहीं पाएंगे। और ये कैटरपीज आ भी शुरू हो चुके, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि कैटरपीज आ रही है। गाइस मैं अभी जल्दी कुछ ट्रेनिंग कर लेता हूँ और आपको इस 7 मिनट की वीडियो में मज़े दिलाता हूँ। यस गाइस आज हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट की होने वाली है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है मेरे घर में जिसकी वजह से मुझे 7 मिनट की वीडियो बनानी पड़ रही है। गाइस कोई बात नहीं, आप तो वीडियो को इंजॉय करिए, छोटे छोटे एपिसोड में ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जितने छोटे एपिसोड होंगे उतना ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस। तो अभी हमने पीजी को भी पेंट कर दिया है और 23 एक्सपी मिल चुके हैं हमें। और गाइस आप प्लीज़ बताना कि आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा गाइस, और प्लीज़ अगर मुझे मेरे जहन में हुआ तो मैं वो आपका फेवरेट पोकेमॉन जरूर पकड़ूंगा। और गाइस मैंने सुना कि पोकेमॉन ऐश ग्रे भी मस्त गेम है, सुना मैंने भी है, पर इसको थोड़ा सा चलाने के बाद ना हम पोकेमॉन ऐश ग्रे शुरू करते हैं गाइस। हाँ गाइस पोकेमॉन ऐश ग्रे ठीक रहेगी, और यहाँ पर मैं इस बंदे से मुकाबला इसीलिए करा क्योंकि एक्सपीरियंस ये भी हमें दे ही देगा, जो कि अच्छी बात है। अरे यार उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा यार, यार ग्रॉम वाले पर तो होता है यार बैटल को इफेक्ट यार। अरे वाह गाइस इस पर एम्बर इफेक्ट कर गया गाइस, अच्छा ही शुरू आया। और ये गाइस शैंशू भी थोड़ा सा ही बच गया वैसे तो, और ये एम्बर शैंशू बना अरे वाह मर गया, थोड़ी सी एक्सपी बच चुकी है गाइस। और अरे यार मैंने गलती से इससे बात कर ली, मेरे को पहले पोकेमॉन को हील कराना था, पर कोई बात नहीं पहले हम इसको हरा देते हैं और उसके बाद अपने पोकेमॉन हील करा देते हैं। गाइस मैं पूरा कॉन्फिडेंट में हूँ कि मैं ड्रॉप को हरा दूँ वाला आसानी से, ये सुपर शक्ति हुआ। और ये यार ये तूफान से पूरा कर देता है यार, जिससे क्या है मेरे मारने की शक्ति कम हो जाएगी और उसको थोड़ी थोड़ी देर में बचता रहेगा यार, इसको जल्दी मारना है यार मुझे। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया था मैंने इसके जे टूट को हरा दिया और चार्मेंडर हो चुका 16 लेवल का। और गाइस अब आपको और एक गाइस और एक ड्रॉप का बहुत ही ज़्यादा चहिता पोकेमॉन है, अगर हम थोड़ी देर भी बचे रह गए और उसको और इसको 4 अटैम्प भी लग गए ना तो हम जीत जाएंगे गाइस। और ये क्या उसने मेरे पोकेमॉन को हरा दिया बहुत ही बुरी तरीके से, अरे यार 16 पे 4 मिनट जैसे इवॉल्व होता है ना यार, ये बड़ी गलत बात है यार, हुआ ही नहीं यार, तो गलत बात नहीं होगी गाइस। देखिए हमारा 4 मिनट तक इवॉल्व ही नहीं हुआ, ओ हाँ वो बैटल के बीच में हुआ था उसका लेवल अप, इसलिए वो अभी इवॉल्व नहीं हुआ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम आपसे जल्द मिलेंगे और जीत जाएंगे ब्रॉक से। और गाइस अगले एपिसोड में अगर मैं आपको चार्मेंडर का एवोल्यूशन ना दिखा पाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अब टेक केयर।